What's up warriors, this is Mukesh, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं आप सभी? So, आज का हमारा ट्यूटोरियल वीडियो है स्क्वाट्स पे, स्क्वाट्स, इसमें हमारे मेंटोर मिस्टर पंकज यादव, जो मसल गैरेज के ओनर भी हैं, वो भी इसमें हमारी हेल्प करेंगे, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे. So, आइए शुरू करते हैं स्क्वाट्स. ओके, मैं आपको अपने जिम मेंटोर मिस्टर पंकज यादव के बारे में बताना चाहूँगा. ही इज़ अ पावर लिफ्टर, वो पावर लिफ्टिंग मेडलिस्ट हैं, प्लस मसल गैरेज के जिम के ओनर हैं. आप तो वीडियो में नेक्स्ट क्लिप में जिम के बारे में देख सकते हैं, देन आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. ओके गाइस, पहले स्क्वाट्स करने से पहले वार्मअप बहुत ज़रूरी है कि आपकी मसल्स ओपन हो जाए, शोल्डर मोबिलिटी, थाइस की हैमस्ट्रिंग वार्मअप, फुल बॉडी वार्म जरूरी है. आपको हम शॉर्ट में बताते हैं वार्मअप कैसे करना है. आप इसके 10 रेप ले सकते हैं. आइए शुरू करते हैं. आफ्टर गुड वार्म अप, अच्छा वार्म अप करने के बाद आपकी मसल्स बॉडी रेडी है कि आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सके. ओके, तो फर्स्टली जो हम वेटेड स्क्वाट्स करते हैं, सबसे पहले हमें खाली रॉड से जिसमें कोई वेट ना हो उससे वार्म अप लेना है. ओके, आइए शुरू करते हैं. जब भी कभी स्क्वाट लेते हैं ना, तो कभी भी हमें ना एकदम जर्क से वापस ऊपर नहीं आना, उसको लेके स्लो, जिससे कि हमारी मसल्स के ऊपर प्रेशर आए. चाहे आप गेन कर रहे हो, चाहे लीन कर रहे हो, आपकी मसल्स के ऊपर प्रेशर आना चाहिए. ये तो सिर्फ थकेंगे अगर स्पीड अप करेंगे तो. चलो गुड, इसके खाली रॉड के 3 से 4 रैप सेट करने हैं, 10-10 रैप के. इससे क्या होगा, आपकी पूरी मसल जो है वार्म हो जाएगी अच्छे से, फिर आप वेट हीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी कैपेसिटी है. सर, स्क्वाट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स बहुत होते हैं, ठीक है. बिगिनर्स क्या है, जब आते हैं जिम में तो लेग्स को भागते हैं, लेग करने नहीं है. मंडे सैटरडे मतलब कि आज करेंगे कल करेंगे, लेग्स नहीं करते. बट उनको ये नहीं पता उसे कितने बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला, एक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लोअर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके लेग्स लुक बहुत अच्छी आएगी. आपकी जो पैंट पहनोगे तो उसकी लुक बड़ी प्यारी आती है. कभी देखना जिनके लेग्स अच्छे होते हैं, हमारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं, मेरे गुरुजी मुकेश गहलोत हैं, और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जितने, उनके देखना लेग्स के वजह से कितनी अच्छी स्ट्रेंथ. तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है हमारा लेग्स की ट्रेनिंग करने से. इससे बच्चे भागना नहीं, चीज़ को करो. आप एक साथ नहीं कर सकते, धीरे 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 करे करो. जरूरी नहीं कि एक बार में मैं गया जिम में और मैंने सीधा हिट कर दिया वेट और फिर छुट्टी महीने भर की. हाँ, इसलिए पहले धीरे 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 आप लेग्स की ट्रेनिंग जब भी करें, मेक श्योर कि आपके साथ कोई अपना इंस्ट्रक्टर खड़ा हो, जिससे कि आपकी इंजरीज ना हो, गलतियाँ ना करो. इंजरीज होएगी, मसल्स ब्रेक होंगे, टिश्यूज टूट जाएंगे, हो सकता है कुछ बोन्स वगैरह में भी दिक्कत हो जाए. इसलिए किसी को आप अपने साथ खड़ा करें जिसको अच्छी नॉलेज है उसके लिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं. चलो, हमसे जब भी आप लेग्स लें वेट, जब भी आप स्क्वाट मारेंगे वेटेड स्क्वाट, तो आपको देखना है कि आपके यहाँ पे नहीं रखना है वेट को, आपके शोल्डर्स पे आने चाहिए, जो कॉलर है और शोल्डर दोनों के बीच में आना चाहिए हमारा, जिससे कि आपके गर्दन पे प्रेशर नहीं आएगा. चलो आ जाओ. अच्छे शूज़ हमेशा आपके फ्लैट होने चाहिए स्क्वाट लेते टाइम. फ्लैट शूज़ से ये होता है कि आपके जो नीज़ हैं इसके ऊपर आपको प्रेशर नहीं पड़ता है. अगर आप
इंक्लाइन शूज लोगे, इंक्लाइन इंक्लाइन शूज अगर से करोगे तो आपके नीज पे ज्यादा प्रेशर आएगा, जिससे इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। सर एक और क्वेश्चन है बेटा कि हमें कितना नीचे जाना है, पोजीशन कैसे होगी? नीज की पोजीशन 90 डिग्री पे होनी चाहिए जब भी आप ये चलो। हाँ नहीं नहीं, नहीं वो गलत है, फिर आपके कमर पे इंजरी होगी बहुत। बिल्कुल चांसेस है क्योंकि नीज आपकी बहुत ज्यादा आगे जा रही है। आप को जर्क कौन देता है जब आप ऊपर आओगे? जर्क कहाँ से मिलता है? ऐसे नीज से जर्क मिलता है हमारे को। हाँ ठीक है, जब आप इसको आगे करके ऐसे करोगे तो आगे कैसे उठ पाओगे? आपके पीछे से जो है ये उठ जाएगा पैर और इसे आगे गिर जाओगे मुंह के बल। चलो जी स्टार्ट करो, 1 2 3 4 पूरा सीधा नहीं होना है, पूरा सीधा नहीं होना उस पर। हाँ ग्लूट साइड कर ले बिल्कुल। सर मेरे दो क्वेश्चन और थे कि हम बेल्ट का यूज़ करते हैं जब हैवी वेट मारते हैं, तो बेल्ट का यूज़ करते हैं तो उसकी प्लेसमेंट एंड ब्रीथिंग टेक्निक क्या होगी कि वो हमारी हेल्प करे? जब जब भी आप कभी हैवी वेट मारते हो, सिर्फ स्क्वाट्स में नहीं, जब आप अगर बेंच भी करते हो या लेग प्रेस भी करते हो, हैवी वेट मारने से पहले आपको बेल्ट ज़रूर आपको कमर पर बांधनी है। हाँ ट्राई करके देखो, बिल्कुल कमर पर आनी चाहिए जिससे कि आपके लोअर बैक पर प्रेशर नहीं आए, पेन ना हो जी। और आपको ये जर्क दे, सपोर्ट दे। बेल्ट कितनी टाइट होनी चाहिए सर? बेल्ट इतनी टाइट होनी चाहिए कि आपको जब बेल्ट हिले ना, हिले नहीं, और जब आप बैठो तो आपको सपोर्ट मिले बेल्ट का पूरा, इतनी टाइट होनी चाहिए। और जब स्क्वाट लेते हैं तो जब हम बैठ जाते हैं ना, जब आप स्क्वाट उठाने के बाद ब्रीद इन करोगे, नीचे जाओगे, तो जैसे ही आप ब्रीद आउट करोगे तो वेट अपने आप आपको जर्क मिल जाएगा कम से कम 5 से 6 किलो का, जिससे कि आप आसानी से। हाँ तो फ्रेंड्स आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग स्क्वाट्स। आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, ये जो हमने ट्रिक्स बताई हैं, ट्रिक्स टेक्निक्स, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। सो ट्राई करिए गाइस। एंड फर्स्टली थैंक्स टू माय मेंटोर, जिम मेंटोर मिस्टर पंकज यादव, ये मसल गैरेज के ऑनर हैं। आप चाहे तो जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स आप यहाँ पर सीख सकते हैं। सो गाइस ट्राई करिए, स्क्वाट्स ट्राई करिए। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चन बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।